फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोमोज की रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। तो अभी समर्स हैं तो क्या है कि हमें कम ऑयल वाली चीज़ें खाने का मन होता है, तो आप स्टीम करके इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं आपको चार तरीके से मोमोज बनाना बताऊंगी, चार तरीके से इसको फिलिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। और चटनी की रेसिपी मैंने कल दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोमोज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बाउल ऑल पर्पस फ्लोर मैदा लिया हुआ है, और उसके बाद इसके अंदर हमें मिलाना है स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद हमको मिलाना है थोड़ा सा इसमें ऑयल 2 स्पून के आसपास, और उसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसका एक डो रेडी करना है। डो मीडियम होगा, न तो सॉफ्ट होगा न हार्ड होगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के और अच्छे से इसको मसल के, और फिर हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे फिलिंग के लिए मैंने जिंजर और मैंने कॉलीफ्लावर, यहाँ कैप्सिकम, यहाँ कैबेज, और ये मैंने चॉप किया ऑनियन और चिली लिया हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है कढ़ाई। पहले हम जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम फिलिंग इसकी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया है चॉप किए हुए ऑनियन। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर। जिंजर को मैंने ग्रेट करके लिया है, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको हाई फ्लेम पे करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप की है कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैबेज, सभी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने साल्ट ऐड किया है स्वाद के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है विनेगर। विनेगर के बाद यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1/4, और मैं यहाँ पे चिली सॉस नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, तो आप यहाँ पे चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और हमारी फिलिंग रेडी हो गई। उसके बाद हमने जो डो रेडी किया था उससे मैंने ये बना लिया है पूरी। उसके बाद उस पर हम फिलिंग को रखेंगे। तो और जो पूरी हम बनाएंगे वो बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको चार तरीके से सेब बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहला बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है। यहाँ पे एक प्लेट लगाना है, उसके बाद इसको इससे दबा देना है, फिर प्लेट लेना है इस तरह से, उसके बाद फिर इसको यहाँ दबा देना है। इसी तरह से हम पूरे में कर लेंगे, फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इसी तरह से हमें पूरे में प्लेट लगाना है तो एक ये शेप मेरा बन जाएगा। ये थोड़ा लीफ टाइप का शेप होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम अच्छे से फिर दबा देंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरा ये रेडी हो गया है। इस तरह की प्लेट पड़ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आपको दूसरा शेप बताते हैं। तो जनरली जो बनाते हैं, यहाँ पे हम चारों तरफ से प्लेट डाल लेते हैं, उसके बाद हम सारे प्लेटों को इकट्ठा कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और इस तरह से दबा देंगे और पूरा इस तरह से गोल गोल कर लेंगे, तो एक अच्छा सा हमारा शेप आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी मैंने बना लिया है। तो इसको आप एक्स्ट्रा को निकाल भी सकते हैं और अंदर दबा भी सकते हैं। तो हो गया। तो यहाँ पे मैं अब आपको तीसरा शेप बताती हूँ। यहाँ पे हमने पूरी को बेल लिया है और फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद फिर से हम इसको इस तरह से, मैं बहुत स्लो आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत फास्ट मैंने नहीं इसमें किया है कि अच्छे से समझ में आए। एक साइड से पूरा दबाने के बाद दूसरे साइड से मैंने दबाया, फिर इधर से मैंने लिया, मतलब चारों
तरफ से हमें इसको दबा देना है, तो एक शेप हमारा ये बन जाएगा। बाकी जो इधर खुला हुआ हिस्सा है उसको हमको इस तरह से दबा देना है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया है, तो एक शेप में हमारा ये बन गया, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको तीन तरह के शेप बताए हैं और बहुत आराम से बताया है, फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब मैं लास्ट शेप बताऊंगी आपको, और इसके मैंने जो पूरी ली है उसके ऊपर मैंने फिलिंग रख दिया है, सेम वही प्रोसेस करना है। अब हमको इसको जैसे हम गुजिया के लिए करते हैं फोल्ड, वही फोल्ड करना है हमें इस तरह से, और अच्छे से दबा देना है। अगर अच्छे से नहीं हो तो आप यहाँ पे पानी लगा के भी दबा सकते हैं कभी, जैसे कि नहीं चिपके तो। उसके बाद उसको बैक साइड से करके और यहाँ पे पानी लगा के आपको चिपका देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बना दिया है, ये भी शेप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चार तरीके से आपको मोमोज बनाना बताया है, तो आप इसको ट्राई करें। यहाँ पे मैंने स्टीमर को रख दिया था गरम करने के लिए ताकि अच्छे से उसमें भाप बन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मोमोज बनाए थे वो रख दिए हैं, और इसको बनने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए रेडी हो गया है। और इस तरह का होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा दिखना चाहिए, मतलब कि आपका अच्छा बना है मोमोज। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया है मोमोज को एक प्लेट में, उसके बाद मैंने अब सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फीलिंग कितनी अच्छी और कितने अच्छे से भरी है, और बहुत ही टेस्टी बना है। और आप भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये मोमोज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप जल्दी से देख सकें। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।